स्वागत है आप सभी का। देखिए अमावस्या तिथि का हमारे धर्मशास्त्रों में बड़ा विशेष महत्व होता है और प्रत्येक वर्ष 12 अमावस्याएं होती हैं, जिनमें से कुछ एक अमावस्याएं अपने आप में बड़ा विशेष महत्व रखती हैं। तो इस बार की जो अमावस्या है, जिसके विषय में हम चर्चा करना चाह रहे हैं, वो अमावस्या है पितृ विसर्जन की अमावस्या, जो आगामी 2 अक्टूबर को पड़ रही है। बुधवार का दिन है और 2 अक्टूबर को पड़ रही है। ये पितृ विसर्जन सर्वपितृ अमावस्या भी इसको कहते हैं, पितृ विसर्जन अमावस्या कहते हैं। तो इस तरह से अमावस्या तिथि जो है पितरों की होती है, पितरों के निमित्त होती है अमावस्या तिथि, कोई भी अमावस्या तिथि हो। लेकिन जो श्राद्ध की अमावस्या की तिथि है वो हमारे लिए बड़ा विशेष महत्व रखती है, क्योंकि इस दिन जो है पृथ्वी लोक से पितरों की विदाई होती है, हमारे जो पितर हैं उनकी विदाई होती है। तो क्या है कि 16 दिन यानी भाद्रपद शुक्ल की पूर्णिमा से लेकर के और आशीवन कृष्ण अमावस्या तक ये 16 दिन जो है पितृ जो है हमारे सूक्ष्म रूप में पृथ्वी लोक पर विचरण करते हैं और अपने कुटुंबियों के द्वारा, अपने परिवारजनों के द्वारा दिए गए श्राद्ध कर्म, किए गए श्राद्ध कर्म, ब्राह्मण भोजन, तर्पण, पिंडदान आदि से उनको संतुष्टि प्राप्त होती है। तो ये जो इस दिन अमावस्या का जो दिन होता है ये विशेष खास हमारे लिए, प्रत्येक गृहस्थी के लिए विशेष खास होता है। इस दिन पितरों की विदाई होती है और साथ ही इस अमावस्या के पीछे और कई सारे तथ्य हैं कि जैसे अगर किसी को, किसी व्यक्ति को अपने पूर्वज की मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं तो उनका श्राद्ध भी अमावस्या को किया जाता है। ऐसा कहा गया है कि अगर किसी की तिथि ज्ञात ना हो तो अमावस्या को उनका श्राद्ध करना चाहिए। साथ ही अमावस्या के दिन और भी कई सारे उपाय किए जा सकते हैं, जो किए जाते हैं। जैसे अमावस्या के दिन कोई भी कार्य अगर पितरों के निमित्त किया जाता है तो पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। और आजकल प्रायः अधिकांश कुंडलियों में जो है पितृ दोष दृष्टिगोचर होता है, तो इसलिए ये दिन जो है हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। आम दिनों की तरह जैसे 16 दिन श्राद्ध किए जाते हैं, पितरों के निमित्त श्राद्ध किए जाते हैं, उसी तरह पितरों के निमित्त श्राद्ध करके और दोपहर बाद यानी मध्यान्ह काल के पश्चात पितरों की विदाई करना चाहिए, ससम्मान उनकी विदाई करना चाहिए। और इस दिन बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कि अन्य दिनों की अपेक्षा इस दिन करने से उनका ज़्यादा लाभ होता है। जैसे इस दिन गंगा स्नान करने का बड़ा विशेष महत्व है, क्योंकि राजा भगीरथ के 60,000, राजा सगर के 60,000 पूर्वजों को तारने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए ही माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। तो इस दिन अगर कोई व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त जाकर के गंगा स्नान करता है और गंगा में तर्पण करता है और गंगा तट पर जो है दान देता है तो उसका अमोघ फल प्राप्त होता है। अगर संभव हो तो ऐसा करना चाहिए, और ख़ास करके ऐसी जगह जहाँ पे गंगा जी का बड़ा विशेष महत्व होता है। हरिद्वारे प्रयागे चा गंगा सागर संग में सर्वत्र सुलभा गंगा तिरसाने दुर्लभा, उसमें भी हरिद्वार प्रयाग और गंगा सागर का बड़ा विशेष महत्व है। गंगा में जा करके स्नान करना चाहिए, पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए, भोजन दान देना चाहिए। साथ ही अगर ऐसा ना संभव हो तो सामान्य परिस्थिति में, सामान्य स्थिति में भी अपने घर पर या किसी नदी के तट पर, किसी देवालय में जा करके पितरों के निमित्त पिंडदान दे, तर्पण करे, ब्राह्मण को भोजन कराए, तो इससे पितरों की संतुष्टि प्राप्त होती है और बड़े से बड़ा पितृ दोष जो है वो समाप्त हो जाता है। इसके अलावा
इस दिन संध्या के समय पितरों की विदाई के पश्चात अध्ययन काल के पश्चात में अन्नदान ब्राह्मण को अन्न वस्त्र दक्षिणा आदि दे करके अपने घर से सम्मानपूर्वक विदा करना चाहिए। इसके बाद पितरों पितृ दोष से मुक्ति के लिए और खास करके पितरों की प्रसन्नता के लिए संध्या के समय किसी पीपल के वृक्ष में चार मुख का दीपक जलाए या अपने घर के दरवाजे पर चार मुख का दीपक जला करके और पितरों का स्मरण करें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि होती है और आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं, चाहे वो शारीरिक हो, शारीरिक कष्ट हो, मानसिक परेशानी हो, आर्थिक परेशानी हो, पारिवारिक परेशानी हो, उन सब चीज़ों से मुक्ति प्राप्त होती है। संध्या के समय पीपल के वृक्ष में या घर के मुख्य द्वार पर चार मुख का दीपक जरूर जलाना चाहिए और जला करके पितरों को जो है एक प्रकार से पितरों को मार्ग दिखाना होता है कि उनको अंधकार से प्रकाश दिखाना होता है कि ताकि वो अपने मार्ग में आसानी से अपने मार्ग की दूरी तय कर सकें। इसके अलावा इस दौरान जैसे उस दिन तामसी चीज़ों से परहेज करना चाहिए, मांस मदिरा इत्यादि से परहेज करना चाहिए, सात्विक रहना चाहिए और भोजन भी सात्विक करना चाहिए और ब्राह्मण को भी सात्विक भोजन ही कराना चाहिए। ऐसा करने से बड़े बड़े पितृदोष और सभी अमावस्याओं में पितरों के निमित्त जो भी कार्य करना है उसके लिए ये जो अमावस्या है, पितृ विसर्जन की जो अमावस्या है, ये सबसे श्रेष्ठतम है। अन्य अमावस्याओं का भी अपना अपना महत्व है, लेकिन इसमें तो इस अवसर का लाभ जरूर लेना चाहिए। इस दिन अगर थोड़ा बहुत भी कुछ पितरों के निमित्त किया जाता है तो उसका फल जो है बहुत बड़ा मिलता है, बहुत विस्तार से मिलता है। तो इसलिए यथासंभव पितरों के निमित्त दान तर्पण ब्राह्मण भोजन इत्यादि या गंगा स्नान गंगा में तर्पण इत्यादि जरूर करना चाहिए और साथ में इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए। संध्या के समय पीपल के वृक्ष में दीपदान जरूर करना चाहिए या घर के दरवाजे पर। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है और घर में उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है और सुख समृद्धि का वास होता रहता है। और इसके अलावा किसी प्रकार की व्यक्ति को कोई किसी प्रकार की कोई कमी कभी नहीं आती है। बहुत बहुत धन्यवाद।